नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही थी कि आईबीपीएस क्लर्क की जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जो कि आपकी 12,000 से ज्यादा पदों पर आपकी भर्ती होगी। तो क्या डेट है, ऑफिशियल डेट जो अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म कब से भर सकते हैं, उस चीज़ की जानकारी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपनी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो अगर आपको स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप मिस कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in पर जारी किया गया है क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए 7, 8, 14 और 21 दिसंबर 2019 को प्री परीक्षा की आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए, नई दिल्ली IBPS क्लर्क भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ibps.in पर जारी किया गया है। IBPS क्लर्क भर्ती के माध्यम से देश के विभिन्न बैंकों में क्लर्क के 12,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन 17 सितंबर से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख जो है आपकी 9 अक्टूबर होगी। तो देखिए, इसमें आगे क्या दिया, पद का नाम जो है क्लर्क की पोस्ट होगी आपकी, और इसमें पदों की संख्या होगी आपकी 12,000, और आपकी योग्यता जो होगी वो होगी आपकी ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा होगी, एज लिमिट होगी, वो आपकी 20 साल से लेकर 28 साल की एज लिमिट होगी। और देखिए, उम्मीदवारों का चयन जो है प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा 7, 8, 14 और 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। प्रीलिम्स एग्जाम एडमिट कार्ड में नवंबर में जारी होंगे। प्री परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2021 में कर दिया जाएगा। तो देखिए, जागरण जोश की हम वेबसाइट पर देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम जागरण जोश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। तो देखिए, इसमें दिया है IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, जो कि IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है कि 17 सितंबर से 19 अक्टूबर तक जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे, और जो कि आपकी एग्जाम शेड्यूल होगा वो 7, 8, 14 और 15 दिसंबर तक होगा, जो कि कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई IBPS क्लर्क प्री एग्जाम विल कॉल इट IBPS मेन्स एग्जाम। जो कैंडिडेट आपका प्री एग्जाम क्लियर कर देंगे वो IBPS क्लर्क के मेन एग्जाम में दे पाएंगे, जो कि 19 जनवरी 2019 को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे जानते हैं, ये 19 जनवरी 2020 की डेट है, ये कुछ मिस्टेक हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है कि आपका जो देयर विल क्वेश्चन फॉर जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के 50 मार्क्स के आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजन एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो आपके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इस प्रकार से। तो देखिए, एज लिमिट जो है वो 20 साल से लेकर 28 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो देखिए, इसमें आगे जानते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है इसकी, तो स्टार्ट ऑनलाइन जो है आपका 17 सितंबर से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो होगी आपकी 9 अक्टूबर 2019 को 5 PM तक, 5 बजे तक शाम को आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जब कॉल लेटर जो होगा प्री के लिए, वो एग्जाम ट्रेंड नवंबर 2020 के करीब में होगा, और कॉन्डक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नवंबर टू दिसंबर इस प्रकार से आपका होगा। तो इसलिए आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगी वो अप्रैल 2020 में होगी। वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें इस प्रकार से वैकेंसीज हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो देखिए, अंडमान निकोबार के लिए 14 पोस्ट हैं, और आंध्र प्रदेश के लिए 777 पोस्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 पोस्ट हैं, और असम के लिए 189 पोस्ट हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपकी पोस्ट दी गई हैं, तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। तो इसमें आगे बात करते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फेज फर्स्ट में जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, फेज टू में कंप्यूटर बेस्ड होगा मेन एग्जाम, जो कि 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई करने की बताते हैं। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि 17 सितंबर से ओपन हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, तो आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी फॉर्म फिल करने, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं ये, तो ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।